दिल्ली के साथ बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। कोविड-19 महामारी के खिलाफ लड़ाई में किसान उपयोगी जरूरी जानकारियों के साथ इस खास कार्यक्रम आत्मनिर्भर भारत में आप सभी का स्वागत। मैं हूं मुकुल शर्मा। आइए देखते हैं क्या है नया आज के कार्यक्रम में। किसानों के बेहतर भविष्य के लिए किसान क्रेडिट कार्ड योजना, अगस्त माह में धान फसल की देखभाल, कृषि कार्यों में बढ़ रही है ड्रोन की उपयोगिता। और आइए अब समाचार देखते हैं विस्तार से। सरकार की हमेशा से यही कोशिश रही है कि देश के किसानों की आय दोगुनी हो और वे दिनों दिन तरक्की कर सकें। ऐसे में सरकार विभिन्न प्रकार की योजनाएं बनाती रहती है। सरकार द्वारा बनाई गई योजनाओं से देश के किसान लाभान्वित भी हो रहे हैं। किसान क्रेडिट कार्ड योजना किसानों को बेहतर भविष्य के लिए बनाई गई एक महत्वपूर्ण योजना है। आइए जानते हैं इस योजना से जुड़ी कुछ और खास बातें और कैसे इसके जरिए हमारे जो किसान हैं वो लाभान्वित हो रहे हैं। किसान क्रेडिट कार्ड योजना 1998 में शुरू की गई थी। इसका उद्देश्य किसानों को कृषि गतिविधियों के लिए बिना किसी बाधा के समय पर ऋण उपलब्ध कराना था। भारत सरकार किसान क्रेडिट कार्ड के तहत किसानों को ब्याज पर 2% की आर्थिक सहायता देती है और समय पर ऋण चुकाने वाले किसानों को 3% की प्रोत्साहन छूट देती है। इस तरह केसीसी पर सालाना ब्याज दर 4% की आती है। सभी योग्य किसानों को उनके कृषि कार्यों के लिए आसानी से और समय पर कृषि ऋण प्रदान किए जाए, ये सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने किसान क्रेडिट कार्ड योजना शुरू की। इसका उद्देश्य किसानों को कृषि के लिए उत्पादक सामग्रियों जैसे बीज, उर्वरक और कीटनाशक आदि खरीदने के लिए सक्षम बनाना है। सरकार ने किसानों के हित में बड़े कदम उठाते हुए 2019 में केसीसी में ब्याज दर में आर्थिक सहायता का प्रावधान शामिल करते हुए इसका लाभ डेयरी उद्योग समेत पशुपालकों और मछली पालकों को भी देने की व्यवस्था सुनिश्चित की है। किसान क्रेडिट कार्ड के दायरे में किसानों को लाने के लिए फरवरी 2020 से एक विशेष अभियान चलाया जा रहा है। वर्ष 2012 से केसीसी योजना को और सरल बनाया गया है। इसके तहत लाभार्थियों को एटीएम सक्षम डेबिट कार्ड के प्रावधान सहित एक बार में दस्तावेजीकरण की सुविधा, सीमा में निर्माण लागत में वृद्धि और सीमा के भीतर कितनी भी संख्या में निकासी आदि की सुविधाएं दी गई है। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों और नाबार्ड से प्राप्त सूचना के अनुसार इस अभियान के तहत 29 जनवरी 2021 तक देश भर के किसानों को 1,76,000 करोड़ रुपए की खर्च सीमा के साथ 187,03,000 केसीसी स्वीकृत किए गए हैं। किसान क्रेडिट कार्ड की वजह से किसान अपनी फसल का बीमा भी करवा सकते हैं। जिस किसी भी कारण से अपनी फसल नष्ट होने पर उनको मुआवजा भी दिया जाता है, जैसे बाढ़ की स्थिति में फसल का डूब के नष्ट हो जाना या सूखा पड़ने पर फसल का जल जाना आदि सुविधाओं में ये किसान क्रेडिट कार्ड बहुत ही ज्यादा काम आता है। इसकी वजह से किसान लाभ उठा सकता है। सस्ते ब्याज दर पर लोन उपलब्ध कराने के इस अभियान से न सिर्फ किसानों की आय में बढ़ोतरी होगी बल्कि इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी और कृषि तथा इससे जुड़े क्षेत्रों में उत्पादन बढ़ेगा। साथ ही हमारे देश के लिए खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में भी इस मुहिम की विशेष भूमिका होगी। किसान बहनों भाइयों, अभी अगस्त का महीना चल रहा है और खरीफ की सबसे महत्वपूर्ण फसल धान की फसल खेतों में लगी है। ज्यादा और गुणवत्तापूर्ण उपज के लिए सही देखभाल बेहद जरूरी है। धान के किसान इस समय कौन कौन से कृषि कार्य कर सकते हैं, आइए जान लेते हैं इस रिपोर्ट में। धान में नाइट्रोजन की 3 खुराक देनी होती है। बची हुई 2 खुराकों में से एक कल्ले निकलते वक्त और दूसरी फूल आते समय देनी है। अगर खेत में जिंक की कमी दिखाई दे रही हो तो 0.5% जिंक सल्फेट को 0.25% बुझे हुए चूने के घोल के साथ 2-3 बार छिड़के। हर छिड़काव के बीच 15 से 20 दिनों का फासला रखना है।
जिन क्षेत्रों में धान की सीधी बुआई की जाती है, अगर वहां पौधों में लौह तत्व की कमी दिखाई दे रही हो तो 0.5% फेरस सल्फेट का घोल बनाकर 15 दिन के अंतराल पर 2 से 3 बार छिड़काव कर ले। दूसरी ओर खेतों की मजबूत मेड़बंदी करें ताकि बारिश का पानी खेत से बाहर ना निकले। पछेती धान में जिन जगहों पर पौधे मर गए हैं वहां उसी प्रजाति के नए पौधे दोबारा रोप लें और खेत में पानी का स्तर 3 से 4 सेंटीमीटर बनाए रखें। फसल से पूरी उपज प्राप्त करने के लिए खरपतवारों का समय से नियंत्रण बहुत जरूरी है। रोपाई के बाद 20 से 40 दिनों के अंदर खरपतवारों को नियंत्रित कर लेना चाहिए। बेहतर होगा कि खरपतवार प्रबंधन एकीकृत तरीके से हो। अगर खेत में उचित जल स्तर रहेगा तो बहुत कम खरपतवार पनपेंगे। समस्या ज्यादा आ रही हो तो कृषि वैज्ञानिक की सलाह से उचित दवा का इस्तेमाल करें। धान की फसल के लिए सही समय पर सिंचाई करना महत्वपूर्ण है, खासतौर से रुपाई के दौरान, ब्यांत के समय, बाली निकलते हुए और दाना भरते समय 5 से 6 सेंटीमीटर पानी जरूर भरा रहना चाहिए। कटाई से 15 दिन पहले खेत से पानी निकालकर सिंचाई बंद कर देनी है। देर से रोपी गई धान में झुंका रोग की संभावना रहती है। इसके अलावा ब्लास्ट और बकानी रोग भी धान की बड़ी समस्या है। निदान के लिए कृषि वैज्ञानिकों से सलाह है। वहीं झुलसा रोग होने पर नाइट्रोजन की टॉप ड्रेसिंग रोक देनी चाहिए और पानी निकालकर स्ट्रेप्टोसाइक्लिन या कॉपर ऑक्सीक्लोराइड के 2 से 3 छिड़काव करें। फसल में अगर पत्ती लपेटक या तना छेदक या फिर खुदकर कीट लग रहा है तो उसके नियंत्रण के लिए कारटेप हाइड्रोक्लोराइड 50 SP का छिड़काव करना चाहिए। इसकी जगह कारटेप हाइड्रोक्लोराइड 4G का बुरकाव भी किसान कर सकते हैं। और इसी के साथ ही आत्मनिर्भर भारत में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। जल्द हाजिर होंगे, आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। कोरोना वायरस के खतरे से बचते हुए फसल की कटाई, बिक्री, खरीद, नई फसल की जुताई और बुआई सुरक्षित हो सकती है अगर हम लगातार हाथों को साबुन और साफ पानी से नियमित अंतराल पर धोते रहें। नाक मुंह को मास्क, गमछे या कपड़े से ढक कर रखें। आंख, कान, नाक, मुंह न छुएं। आपस में 2 गज की दूरी बनाए रखें। मास्क और 2 गज की दूरी के मंत्र को अभी हमें छोड़ना नहीं है। फसलों की बुवाई एवं कटाई करते समय आपस में कम से कम 2 गज की दूरी बनाए रखें। फसल की कटाई करने के बाद छोटे छोटे ढेरों में इकट्ठा करें। कृषि के औजारों की समय समय पर सफाई करें। एक दूसरे के साथ औजारों की अदला बदली न करें। श्रमिकों के शौचालयों और हाथ धोने की जगह की ठीक से सफाई जरूरी है। बुआई, कटाई एवं मड़ाई के दौरान इस बात का ध्यान रखें कि इन स्थानों के आसपास कोई थूके नहीं। कंबाइन, हार्वेस्टर, थ्रेशर, जुताई और बुआई की मशीनों को इस्तेमाल से पहले साफ करें। मशीनों के इस्तेमाल से पहले और इस्तेमाल के बाद हाथ साबुन से साफ करें। वाहनों, बोरियों, थैलियों और पैकिंग के दूसरे सामान की साफ सफाई पर भी खास ध्यान दें। खरीद केंद्र पर आने से पहले किसानों एवं श्रमिकों की जांच। खरीद केंद्रों पर भीड़ ना लगाएं एवं किसानों को बारी बारी से बुलाएं। गोदामों पर खरीदी हुई फसल को लेने में शीघ्रता करें ताकि किसानों एवं श्रमिकों को रुकना ना पड़े। कोरोना के खतरे से बचाव और अधिक जानकारी के लिए आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करें। देश में खाद्य सुरक्षा के ये सिपाही भोजन की निरंतर उपलब्धता को सुनिश्चित करते हैं। किसान स्वस्थ रहें तभी हम कोरोना वायरस से जीत पाएंगे, आगे बढ़ पाएंगे। किसान सबल, देश प्रबल। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत आत्मनिर्भर भारत में। किसानों के लिए अपने खेत की मिट्टी की जांच कराना उतना ही जरूरी है जितना किसी भी फसल का चुनाव करना या उसका चयन करना। किसान को अपने खेत से अच्छी पैदावार तभी हासिल हो सकती है जब वे अपने खेतों की मिट्टी की जांच करवाकर उसकी कमियों में सुधार ला सकें। कृषि भूमि की उर्वरा क्षमता को किस प्रकार बढ़ाया जा सके, इसके लिए सरकार किसानों को लगातार मदद मुहैया करा रही है।
सरकार ने किसानों के खेतों के लिए जो मृदा परीक्षण है उसके लिए पहल के रूप में मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना की शुरुआत भी की है, और किस तरीके से इस योजना से जुड़कर जो हमारे किसान हैं वो भूमि सुधार और अपनी मिट्टी की गुणवत्ता को बरकरार रख पा रहे हैं या उनको क्या लाभ मिले हैं, आइए जान लेते हैं इस रिपोर्ट में। मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना 19 फरवरी 2015 को भारत सरकार द्वारा शुरू की गई एक योजना है। इस योजना का उद्देश्य मृदा परीक्षण आधारित और उर्वरकों के संतुलित उपयोग को बढ़ावा देना है ताकि किसान कम लागत पर अधिक उपज प्राप्त कर सके। इस योजना के अंतर्गत देश के किसानों की खेतों की मिट्टी जांच करके मृदा स्वास्थ्य कार्ड प्रदान करना है। इस कार्ड के तहत किसानों को एक रिपोर्ट दी जाती है। इस रिपोर्ट में उनकी जमीन की मिट्टी की पूरी जानकारी भी दी जाती है, साथ ही किसानों को उनके खेतों के अनुसार फसल लगाने का सुझाव भी दिया जाता है। सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम 2021 का लाभ देश के 14 करोड़ किसानों को सरकार द्वारा प्रदान किया जाएगा। मृदा स्वास्थ्य कार्ड 2021 के तहत किसानों को एक खेत के लिए हर 3 साल में एक मृदा स्वास्थ्य कार्ड दिया जाएगा। भारत सरकार ने इस योजना के तहत 568 करोड़ रुपए का बजट तय किया है। देश के सभी किसान इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। बीते वर्षों की बात करें तो केंद्र सरकार द्वारा मृदा स्वास्थ्य कार्ड वितरण के पहले चरण वर्ष 2015 से 2017 में 10 करोड़ 74 लाख कार्ड और दूसरे चरण वर्ष 2017 से 2019 में 11 करोड़ 69 लाख कार्ड वितरित किए गए हैं। इन कार्डों की सहायता से किसान अपने खेतों की मृदा के बेहतर स्वास्थ्य और उर्वरता में सुधार के लिए पोषक तत्वों का उचित मात्रा में उपयोग करने के साथ ही मृदा की पोषक स्थिति की जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। इस कार्ड के माध्यम से किसानों को ये भी जानकारी प्रदान की जाती है कि मिट्टी के अंदर कितनी मात्रा में क्या चीज है एवं किस फसल के लिए कितनी खाद और कौन सी खाद का उपयोग किया जाए। मिट्टी जांच में सर्वप्रथम अधिकारी आपके खेत की मिट्टी के सैंपल को इकट्ठा करते हैं। इसके बाद मिट्टी को परीक्षण के लिए लैबोरेटरी में भेजा जाता है। वहां विशेषज्ञ मिट्टी की जांच करते हैं और मिट्टी के बारे में सभी जानकारियां प्राप्त करते हैं। मिट्टी के सैंपल की ताकत और कमजोरी की सूची बनाई जाती है। यदि मिट्टी में कुछ कमी है तो उसके सुधार के लिए सुझाव दिए जाते हैं। जांच रिपोर्ट को एक एक करके किसान के नाम के साथ ऑनलाइन अपलोड भी किया जाता है, जिससे कि किसान अपनी मिट्टी का रिपोर्ट जल्द से जल्द देख सके और जानकारी हासिल कर अपनी मिट्टी में सुधार कर सके। इस प्रकार इस योजना की मदद से किसान मृदा प्रशिक्षण करवा कर अपने खेत की मिट्टी का प्रकार का आसानी से पता लगा सकते हैं, जिससे उन्हें मिट्टी की गुणवत्ता के अनुसार फसल लगाने में आसानी तो होती ही है, साथ ही साथ अच्छी खेती कर वे ज्यादा से ज्यादा मुनाफा भी हासिल करते हैं। इस योजना को किसानों की आय में वृद्धि करने एवं खाद के उपयोग से मिट्टी के आधार और संतुलन को बढ़ाने के उद्देश्य से आरंभ किया गया था। सरकार सॉइल हेल्थ कार्ड योजना के माध्यम से किसानों के उपज में बढ़ोतरी और उनकी आय दोगुनी करने की आशा रखती है। कृषि क्षेत्र में अब तकनीक की बात की जाने लगी है और ड्रोन की बात करें तो इसका इस्तेमाल हर क्षेत्र में अब बढ़ रहा है। खेती में भी धीरे धीरे ही सही, लेकिन इसकी शुरुआत हो चुकी है। खासतौर से बड़े कृषि फार्मों में खेती को बेहतर बनाने में ड्रोन काफी मददगार है। विज्ञान और किसान में खासतौर से लगातार आज का अगर देखा जाए तो एक तालमेल जो है नजर आता है, क्योंकि कृषि क्षेत्र अब विज्ञान के बिना अधूरा सा लगता है। और उसी कड़ी में अगर हम बात करते हैं तकनीक के सहारे की, जो कि ड्रोन की मदद से मिल पा रही है, तकनीकी मदद क्या है ये मदद और कितना लाभ इसके जरिए अब किसानों को मिल पा रहा है, आइए देखते हैं। विदेशों में जहां किसानों के पास बड़ी बड़ी कृषि फार्म है, वहां ड्रोन का खूब इस्तेमाल हो रहा है। धातु के बने ये ऐसे मजदूर हैं जो फसलों पर आसमान से नजर रखते हैं और किसान को बताते हैं कि कहां कीट लगा है, किस जगह बीमारी पनप रही है और सिंचाई की कितनी जरूरत है। इतना ही नहीं, खाद और कीटनाशक छिड़कने का काम भी ड्रोन कर सकते हैं। कुल मिलाकर अकेला ड्रोन 10 मजदूरों के बराबर है, बल्कि कई ऐसे काम भी करता है जिन्हें करने में इंसान के पसीने छूट जाए।
भारत में जिस तरह तेजी से जनसंख्या बढ़ रही है उसे देखते हुए आने वाले समय में बहुत ज्यादा खाद्यान्न की जरूरत होगी। बड़ी आबादी का पेट भरने के लिए सीमित जमीन पर अधिक मात्रा में खाद्यान्न या दूसरे खाद्य पदार्थ उगाने होंगे, यानी उत्पादकता में इजाफा करना होगा। इसके लिए जरूरत होगी अधिक उन्नत तकनीक की। ड्रोन उत्पादकता बढ़ाने में मददगार साबित हो सकते हैं। ये ऐसी मशीन है जो आसमान से खेतों की निगरानी रखती है और बताती है कि फसल को किस चीज की जरूरत है। खासतौर से बड़े क्षेत्रफल में किसानों को फसल मूल्यांकन में दिक्कत आती है। पहले मूल्यांकन उपग्रह से ली गई तस्वीरों की मदद से किया जा रहा था। समस्या ये थी कि उपग्रह का इस्तेमाल बहुत खर्चीला था और मूल्यांकन भी सटीक नहीं हो पाता था। अब ये काम ड्रोन ने संभाल लिया है। कृषि ड्रोन दरअसल खेत की तस्वीर लेने के बाद सॉफ्टवेयर की मदद से रंगीन कोड के साथ मानचित्र तैयार करता है। इस मानचित्र में मिट्टी, पौधों के स्वास्थ्य, कीटों, बीमारियों और सिंचाई की जरूरतों के अलावा परागण की भी पूरी जानकारी मौजूद होती है। विशेषज्ञों का मानना है कि ड्रोन का उपयोग खेती को ज्यादा आमदनी भरा बना सकता है। साथ ही इससे समय और मजदूरी बचेगी और सही फसल प्रबंधन में भी मदद मिलेगी। इसके अलावा किसानों को बेहतर फसल चक्र अपनाने में भी आसानी होगी। ड्रोन का व्यावसायिक रूप से उपयोग 1980 में शुरू हुआ था। आज सभी क्षेत्रों में इसकी उपयोगिता तेजी से बढ़ रही है। एक अनुमान के मुताबिक अभी तक दुनिया भर में कुल 28 लाख ड्रोन बिक चुके हैं। 2021 में 8 लाख से भी ज्यादा ड्रोन बिकने की उम्मीद जताई जा रही है। और इसी के साथ ही आत्मनिर्भर भारत में वक्त हो चला एक और छोटे से ब्रेक का। जल्द हाजिर होंगे, आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। खुशहाल होंगे खेत, पशु रहेंगे स्वस्थ, सरकारी स्कीम का होगा लाभ, जब एक्सपर्ट्स का मिलेगा साथ, आपके सवाल विशेषज्ञों के जवाब सिर्फ एक फोन कॉल की दूरी पर। देखिए किसानों का अपना प्रोग्राम हेलो किसान, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे से सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत आत्मनिर्भर भारत में। रासायनिक कीटनाशक कई तरह की कीटों से फसलों की हिफाजत करते हैं, लेकिन इनका जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल भी हानिकारक होता है। इसलिए कृषि वैज्ञानिकों की सलाह से ही हमारे जो किसान हैं, अगर वो एकीकृत कीट प्रबंधन अपनाएं तो और भी ना सिर्फ अपनी लागत को कम कर सकते हैं बल्कि कीटनाशियों से जो खतरा होता है, इस रसायन से जो हमारी मृदा को नुकसान पहुंचता है, पर्यावरण को नुकसान पहुंचता है, उसमें भी कमी आ सकती है। इसी से संबंधित IAS रिपोर्ट पर डालते हैं नजर। बाजार में तरह तरह के कीटनाशक मौजूद है, इसके बावजूद कीटों से पूरी तरह या दीर्घकालिक छुटकारा नहीं पाया जा सका है, बल्कि कीटों की समस्या साल दर साल बढ़ती ही जा रही है। यही वजह है कि बहुत से किसान अब इनका अंधाधुंध उपयोग करने लगे हैं। इनका जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल हानिकारक कीटों के साथ साथ मित्र कीटों को भी नष्ट कर देता है। इसके अलावा ये मिट्टी और जल प्रदूषण का भी कारण है और उपज की गुणवत्ता को भी नुकसान पहुँचाता है। एकीकृत कीट प्रबंधन इस समस्या का सबसे कारगर समाधान है। ये ऐसा प्रबंधन है जिसमें कीट नियंत्रण के लिए उपलब्ध सभी तकनीक अपनाई जाती है। इन तकनीकों में कम से कम 3 तरह के उपाय शामिल है, सांस्कृतिक, जैविक और रासायनिक। ये उपाय कारगर भी है और किफायती भी। सांस्कृतिक कीट प्रबंधन इसकी पहली और सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है और खर्च भी सबसे कम इसी में आता है। सांस्कृतिक प्रबंधन का मतलब है ऐसी फसल चुनना जिसमें रोग और कीटाणु लगने की संभावना कम से कम हो। इसके अलावा उचित समय पर सिंचाई, सही फसल चक्र अपनाना और मित्र कीटों की संख्या बढ़ाना भी सांस्कृतिक उपाय का हिस्सा है। ये ऐसा उपाय है जिसमें अतिरिक्त मेहनत की जरूरत नहीं होती। दूसरी विधि रासायनिक कीट नियंत्रण है। इसमें कीटों, बीमारियों और खरपतवार नियंत्रण के लिए जैविक रूप से सक्रिय रसायनों का उपयोग किया जाता है। बेहतर तकनीक और उपकरणों के इस्तेमाल से भी हम कीटनाशकों के हानिकारक असर को कम कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर कीटनाशक छिड़कने के लिए कम बहाव वाली नोजल का उपयोग अनचाहे कीटों के हमले को रोकना, उपचार का सही समय और उपयोग किए जाने वाले उत्पादों के प्रकार इस विधि के महत्वपूर्ण कारक हैं।
वैसे जैव नियंत्रण सबसे उपयोगी विधि है। इसमें कीटों के प्राकृतिक शत्रुओं का इस्तेमाल किया जाता है। मिसाल के तौर पर अल्फा विविल के लिए एनाफिस लूना, गन्ने में जड़ भेदक और प्ररोह भेदक के लिए स्टर्मिनोप्स इन्फरेंस, हर्बिसाइडल उत्पादों या फिर फेरोमैन ट्रैप के अलावा अंतर फसली तकनीक अपनाना भी जैविक उपायों में शामिल है। एकीकृत कीट प्रबंधन से कीटनाशकों के उपयोग में 85% तक कमी हो जाती है। इससे हानिकारक कीटों के हमले कम हो जाते हैं और कीट प्रतिरोध संबंधी समस्याएं भी घट जाती है। साथ ही दीर्घकालिक आधार पर कीटों की समस्या से निजात मिल जाती है और फसल पैदावार में स्थिरता और गुणवत्ता आती है। और आइए अब कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं। हमारे देश में अब विदेशी सब्जियां खूब पसंद की जा रही हैं। खासतौर से लाल गोभी, ब्रोकली और सलाद की मांग काफ़ी ज़्यादा है। ये सब्जियां सेहत के लिए तो बहुत अच्छी ही हैं, साथ ही आर्थिक रूप से भी काफ़ी फायदा पहुंचाती हैं। ब्रोकली में विशेष रूप से विटामिन सी, कैल्शियम, पोटेशियम, फास्फोरस और आयरन अच्छी खासी मात्रा में होते हैं। और किस तरीके से ये जो सब्जियाँ हैं हमारे किसानों को फ़ायदा पहुँचा रही हैं, आइए इसके लिए नज़र डालते हैं हमारी खास रिपोर्ट पर। ब्रोकली में कैंसर, आघात और दिल की बीमारी के जोखिमों को कम करने का गुण पाया जाता है। इसके अलावा ये ब्लड प्रेशर को सामान्य बनाए रखने और रक्त कोलेस्ट्रॉल के स्तर को कम करने में भी मददगार है। बर्गर में सब्जी का खासा इस्तेमाल होता है। इसकी खेती के लिए 18 से 23 डिग्री के बीच का तापमान बेहतर माना जाता है। पूसा ब्रोकली, KTS 1, पालम समृद्धि, पालम कंचन और पालम विचित्रा भारत में उगाई जाने वाली इसकी प्रमुख प्रजातियां हैं। आप चाहे तो संकर किस्में भी लगा सकते हैं। इसे कई तरह की मिट्टी में उगाया जा सकता है, लेकिन अच्छी उपज के लिए उच्च कार्बनिक पदार्थ वाली रेतीली दोमट मिट्टी बेहतर मानी जाती है। मिट्टी का पीएच मान 6 से 6.5 के बीच होना चाहिए। रुपाई से पहले खेत को अच्छी तरह तैयार कर ले और 25 से 30 दिन पहले गोबर की खाद डाल दे। मिट्टी की भी जांच करा ले। जांच में अगर किसी पोषक तत्व की कमी आए तो उसे पूरा कर ले। अगर आप एक हेक्टेयर फसल बोना चाहते हैं तो आपको 400 से 500 ग्राम बीज की जरूरत होगी। सामान्य गोभी की तरह ही ब्रोकली की भी पहले नर्सरी तैयार होती है और फिर रुपाई। पौधशाला में इसकी बुआई का समय सितंबर अक्टूबर है, यानी अभी आपके पास तैयारी के लिए अच्छा खासा वक्त है। पौधशाला में बुआई के बाद गोबर की खाद और मिट्टी को आपस में मिलाकर बीज को ढक दे और हजारे से सिंचाई करे। पौध तैयार होने पर इसे मुख्य खेत में रोप ले। रुपाई के समय कतार से कतार की दूरी 45 सेंटीमीटर और पौधे से पौधे के बीच का फासला 30 सेंटीमीटर रखना होगा। एक हेक्टेयर के लिए 100 किलो नाइट्रोजन, 50 किलो पोटेशियम और 60 किलो फास्फोरस की जरूरत होती है। जहां तक सिंचाई की बात है तो आमतौर पर 10 से 12 दिनों के अंतराल पर इसे पानी देना होता है। पहली दो सिंचाई के बाद हल्की निराई गुड़ाई करके खरपतवार जरूर निकाल दें, बल्कि तमाम विदेशी सब्जियों के खेतों को बिल्कुल साफ रखें। इसके अलावा जिस खेत में पिछले साल ब्रोकली लगा चुके हैं उसमें इस साल ना लगाएं, क्योंकि पुरानी फसल के अवशेष अलग अलग तरह के कीटों को शरण देते हैं। ब्रोकली में फल जब सामान्य आकार का हो जाए तो इसकी तुड़ाई कर लेनी चाहिए। देर करने से इसमें दरारें पड़नी शुरू हो जाएगी। आमतौर पर 60 से 65 दिनों में फसल तुड़ाई के लिए तैयार हो जाती है। गुणवत्ता बनाए रखने के लिए ब्रोकली का भंडारण रेफ्रिजरेटर में 4 से 6 डिग्री तापमान पर करना चाहिए। ज्यादा लंबे समय तक रखने के लिए इसे प्लास्टिक में लपेटकर फ्रिज में रखें। इससे श्वसन क्रिया पूरी तरह रुक जाएगी और सब्जी सड़ेगी नहीं। तो आज के लिए हमारे खास कार्यक्रम आत्मनिर्भर भारत में बस इतना ही। अब आपको बता दें, अब आप आत्मनिर्भर भारत को डीडी किसान के यूट्यूब चैनल पर भी देख सकते हैं। इसके लिए आपकी टीवी स्क्रीन पर जो QR कोड आ रहा है इसको आप स्कैन कर सकते हैं और फिर आत्मनिर्भर कार्यक्रम की सारी जानकारी जो है वो आप देख सकेंगे यूट्यूब के माध्यम से कभी भी कहीं भी। साथ ही इससे पहले जो कार्यक्रम प्रसारित हुए हैं वो भी आप इसके जरिए देख सकेंगे। तो आज के लिए हमारे खास कार्यक्रम आत्मनिर्भर भारत में बस इतना ही। कृषि और ग्रामीण क्षेत्र से जुड़ी नई नई जानकारियां लेकर फिर होंगे हाजिर। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।
कारवां पुराना है पर सफर नया है, इरादे बुलंद है तो जोश भी जमा है। ए पहाड़े किनारे हिम्मत न हारे। अरे यार इस सफर में अगर गंगा के साथ यमुना का भी दीदार होगा तो कुछ राहों में शायद आपका भी घर होगा। मेरी मंजिल भी आप, मेरा मकसद भी आप, जिस गंगा के संग हूं मैं उस गंगा की पहचान भी आप। तो आज मैं पहुंच गया हूं एक बहुत ही खूबसूरत जगह, तो जनाब तैयार रहिए, आ रहा हूं मैं आपके द्वार पे दस्तक देने, आपका स्नेह और सहयोग दोनों लेने। तो देखना ना भूलिएगा, रग रग में गंगा, एक निर्मल अविरल यात्रा, आपके अपने और राष्ट्र के सबसे बड़े चैनल दूरदर्शन नेशनल पर 21 अगस्त से हर शनिवार और रविवार शाम 8:30 बजे। ओलंपिक में रचा इतिहास, अब पैरालंपिक की बारी। दृढ़ संकल्प, मजबूत हौसले और अटूट हैं इरादे। मरियप्पन की कूद, झाझरी और संदीप हैं भाले के चैंपियन। फिर से 130 करोड़ देशवासियों को सुनना है टोक्यो में राष्ट्रगान। देखिए टोक्यो 2020 पैरालंपिक खेलों का सीधा प्रसारण डीडी स्पोर्ट्स पर 24 अगस्त से। जब भी हम भारतीय एकजुट हुए, जो हमारा था हमने वापस लिया, जो हम चाहते थे वो हमने पाकर दिखाया। हर दुश्मन को परास्त कराए, अंतरिक्ष को भी जीत कराए। उसी तरह आजादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में हम सब एक बार फिर एकजुट हुए। राष्ट्र के गौरव की खातिर हमने कुछ ऐसा किया जो पहले कभी न किया था। एक साथ जुड़कर राष्ट्रगान गाकर हमने लोकतंत्र की शक्ति दुनिया को दिखाई। चलिए देखते हैं कैसे। खरपतवार से भी नहीं होगा नुकसान। समय से करे फसल प्रबंधन तो धान करेगा मालामाल। देखिए विचार विमर्श में हमारी पेशकश, धान की फसल में प्रबंधन, 20 अगस्त शुक्रवार रात 10 बजे दूरदर्शन किसान पर।